आज हम लोग देखते हैं आपका अगला डीएलएड का क्लास, यानी कि ये 8वीं क्लास होगी जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट, जिसे हिंदी में घनमूल बोलते हैं। तो आपका ये नया चैप्टर होगा, घनमूल हम शुरू करेंगे, जिसमें हमारे मुख्य टॉपिक होंगे गुणनखंड विधि से घनमूल, पूर्ण वर्ग संख्याओं यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का घनमूल, सॉरी परफेक्ट क्यूब, और पूर्ण घन पूर्णांकों के गुणनफल का घनमूल। ये घनमूल मैं बोल रहा हूँ ना, तो घनमूल ही समझना। हाँ, उसके पहले एक बात आपको बता दें कि नशा बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन वो अगर अच्छी चीज़ का नशा हो तब, देखो नशा अच्छी चीज़ होती है लेकिन अगर अच्छी चीज़ का हो तो, जैसे अपने काम के प्रति हो सकता है, पढ़ाई के प्रति हो सकता है, किसी विशेष खान पान के प्रति हो सकता है, या फिर आप लोग जो समझ रहे हैं उसके प्रति भी हो सकता है, ठीक ना। तो लेकिन उसमें से अगर आप अच्छा चॉइस करते हैं, अच्छा चूज करते हैं, तो अच्छा ही होता है। आज आप लोगों को बताते हुए ये खुशी हो रही है कि आज पीवीआर स्टडी का एक लाइव क्लास चला था, जो कि बिल्कुल पूरे नशे में चला था। नशा मतलब वो कोई विशेष नशा नहीं किया था मैंने। 12 अगस्त 2018 को फ्रैक्शन ये क्लास रात 2 बजे हुई थी। रात 2 बजे आप अनुमान लगा सकते हैं कौन देखेगा लाइव, शायद तो कोई नहीं था, लेकिन हम भी बिल्कुल अपने काम के प्रति नशे में थे और हमने लगभग 35 मिनट पढ़ाया था उस क्लास में। पता नहीं ऐसा क्या था कि आज उस क्लास का जो व्यूज है लगभग 1 मिलियन हो गया है। और जो एक सीक्रेट मैं नहीं बताता किसी से, आज बता दूं, टोटल चैनल की जितनी अर्निंग हुई अभी तक पूरे साल में, उसका लगभग 60% मात्र उसी एक वीडियो क्लास से हुआ है। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है। हमने आपको क्यों बताया यहाँ पर नशे के बारे में, कि अगर आप अच्छी चीज़ का नशा करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा होता है। हाँ, बिना नशे के आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रात में 2 बजे पढ़ाना या 3 बजे पढ़ाना या 1 बजे पढ़ाना, ये सामान्य मूड में नहीं हो सकता है। बात समझ गए ना। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। घनमूल आप लोग पढ़े होंगे, जानते भी होंगे, लेकिन हम एकदम स्टार्टिंग से चलेंगे। घन मतलब, एक बात आपने सुना है, सुनार की एक लोहार की, तो लोहार वाला घन नहीं, जिसे कहते हैं ना सुनार छोटी सी हथौड़ी से धीरे धीरे ठोकता है, लोहार बड़ा से घन से एक बार में तोड़ देता है, तो वो घन अलग है, ये घन अलग है। यहाँ घन का मतलब ये है कि इसमें जो नंबर के गुणनखंड होते हैं उनका 3-3 का जोड़ा बनता है, फेयर बनता है, ठीक। तो गुणनखंड विधि से करना है। पहला देखो, ये लिखा है गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं, तो पहले इसका हम फैक्टर निकालेंगे। तो ये देखो 27 है ना, 27 का फैक्टर निकालोगे, आप जानते हो कि 27 एक कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है क्या, नहीं, ये कंपाउंड नंबर है, भाज्य संख्या है, सम संख्या है, नहीं, ये ऑड नंबर है। तो ये क्या करेगा, ये कटेगा, लेकिन किससे कटेगा, किसी ऑड नंबर से ही कटेगा, कभी इवन नंबर से ना कटेगा। तो ये 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, बात समझ में आई, यानी कि 3 3 का 9 और फिर पहले 3 9 27, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ लो, ऐसे आप लोग समझदार हो काफ़ी। तो नीचे क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, इसके चुरकी पे 3 जरूर लिखना, अगर 3 ना लिखोगे तो ये वर्गमूल बन जाएगा, 3 लिखोगे तभी घनमूल रहेगा, 3 बार कटा था ना 3 से, लिख लो, एक पेयर बन जाएगा, बराबर क्या आएगा, 3, ये हो गया आंसर, बात समझ में आई। ये तो एकदम छोटा सा सवाल था, बच्चा था, अब चलो बड़ा क्वेश्चन भी हम लोग लेके चलेंगे, इसमें थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देखना और ध्यान से देखना। देखिए साथियों, आप लोग बहुत बार इसके पहले पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा कहते हैं ना, धोबी का गधा नहीं बनना चाहिए, धोबी का गधा नहीं बनना चाहिए, बल्कि अस्तबल का घोड़ा बन जाओ, वो ठीक है, मतलब हमारा समझ लेना जहाँ से हम बोलना चाहते हैं वहाँ से, ठीक ना। इसलिए हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, मौज मस्ती में रहें, अपना काम भी करते रहें, वो काम जो आपका 3 घंटा में होगा ना, ऐसी स्थिति में आपका वो काम आधे एक घंटे में भी हो जाएगा, और आप यही देखते होंगे, यही नतीजा होता है। कुछ छात्र छात्राएं ऐसे भी होते हैं जो बहुत मौज मस्ती करते हैं कॉलेज या क्लास के दिनों में, स्कूल कॉलेज में, लेकिन वो अच्छे नंबर लाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत पढ़ते हैं, रात दिन लेके उसी में बोर हुए रहते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, बोर होते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका नंबर अच्छा नहीं आता है, तो यही रीज़न है। दूसरा क्वेश्चन जो हमने यहाँ चूज किया है वो है 1728, इसका क्या करना है, घनमूल निकालना है। पहले तो आप इसका फैक्टर करोगे, गुणनखंड करोगे, देखो साइड में दिख रहा कि नहीं दिख रहा है, अच्छा सा दिख रहा होगा ना, एकदम मस्त। चलो इसका फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं, कैसे, पहले देखो ये 2 से कटेगा,
तो 8 बार जाएगा, 2×8=16 है ना। फिर इसको काटोगे 2×6=12 और फिर 2×4=8। कुछ लोगों के दिल में आ रहा होगा कि ये भाई आया कहाँ से जो लिख दिया, इधर देख लो, मैं पहली बार बताऊंगा, बार बार ना बताऊंगा, अभी कई बार काटूंगा इसी में। तो ये हो गया 1728। हाँ, कुछ लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि इसको 2 से ही क्यों काटा, 3 से काहे नहीं काटा, 5 से काहे नहीं काटा, 4 से नहीं काटा काहे। तो गुणनखंड में एक रूल होता है, सबसे पहले आप छोटी से छोटी संख्या से काटोगे जिससे कट जाए। तो सबसे छोटी संख्या हमें लगता है कि 1 से काटने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो 2 से ही होता है। तो 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा इसका अनुमान आप पहले लगा लेंगे। अगर सम संख्या होगी तो 2 से पक्का कटेगी, विषम संख्या होगी तो 2 से ना कटेगी। तो इसका अंतिम अंक 8 है, 8 है लास्ट डिजिट, तो ये एक इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है। इसलिए क्या होगा, ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसको 2 से डिवाइड किया। और आप लोगों के साथ साथ हमें अनुभव हो गया, इसलिए हमने ये भाग नहीं दिया, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। वो कैसे आता है ये देखो, 2 से भाग करोगे 8 बार जाएगा 16 हो गया, यहाँ से 1 बचेगा ये हो जाएगा क्या, 2 उतार लो ऊपर से, 6 बार जाएगा 12 हो गया, ऊपर से 8 उतार लो 4 बार जाएगा 8 हो गया, ये नीचे 0 आ गया ना, 0 आना चाहिए, इसका मतलब पूरा पूरा कटेगा। और जिस नंबर से भाग देने पर ये पूरा पूरा ना कटे, मतलब रिमाइंडर 0 ना आए, शेषफल 0 ना आए, उसको यहाँ स्वीकार नहीं किया जाता है, उससे भाग नहीं करेंगे, याद रखना, ठीक ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं, अगर यहाँ पर 11 है, इसको 3 से काटना है, 3×3=9, घटाने पर 2 आ जा रहा ना, ये कट नहीं रहा ना। तो फिर अगर कहीं 11 का ऐसे काटना है, इधर देखो 11 का, तो आप इसको 3×3=9 ऐसे नहीं करोगे, गलत है ये, पूरा पूरा कटना चाहिए, 0 आना चाहिए शेषफल, समझ गए ना। हाँ, अगर यहाँ पर 9 होता 9 तो आप काट सकते थे, समझ गए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसके आगे हम आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, तो जल्दी नोट कर लो फटाफट जो हमने बता दिया है, हो गया। स्क्रीनशॉट ले लिया करिए तुरंत, जैसे हम हटें या सामने से एकदम एक्टिव रहा करें, एकदम एक्टिव रहा करें। अब फिर 2 से काटोगे 2×8=8 2×3=6 2×2=4 कैसे आया, भाग दे के देख लो, अगर आप इसको भाग करोगे ना तो आ जाएगा इस तरह से, देखिए पूरा गुणनखंड हो गया है ना। अगर आप 0 लेवल की मैथ ज्वाइन किए हैं या अगर आप DLED को शुरू से देख रहे हैं तो आप इसको समझ रहे होंगे कैसे कटा, जान गए ना गुणनखंड, कोई टेंशन होगा बता देना। ऐसे हमने क्या किया, 2 से भाग किया तो 432 आया, 432 को फिर से 2 से भाग किया 216 आया, 216 को फिर से 2 से भाग किया तो क्या आया, 108 आया, और 108 में जब फिर 2 से भाग किया तो 54 आया, समझ गए। चलो इधर जो इधर जितना भी कटा है सबको ला करके क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे। यहाँ देखो 3×2 है, हमने 3×2 लिख लिया। यहाँ फिर 3×2 है, हमने फिर से यहाँ 3×2 लिख लिया। 3×3 है, हमने 3 लिख लिया। 3×3 का पेयर बना दो, तो पेयर देखो बन गए, क्योंकि क्यूब रूट में 3×3 का ही पेयर बनता है, ये रूल होता है। अब आप यहाँ से 1 2 ले लोगे, 1 जोड़ा से दूसरे जोड़ा से 1 2 और इसमें से 1 3, 2×2=4 = 12, ये 12 इसका हो गया आंसर, क्या हो गया, क्यूब रूट हो गया। यानी कि 1728 का जो घनमूल है वो क्या आ गया, 12 आ गया, क्योंकि 12 बराबर में 144 होता है, और 144 का जब आप 12 से गुणा करोगे तो ये इतना हो जाएगा। चलो ठीक है, रेडी एंड गो। ओके, अब आप लोग एक काम करोगे, होमवर्क लिखोगे जल्दी से, फटाफट लिखोगे, देर नहीं करना, हाँ घर से उसको करके लाना। जो लोग इसको नहीं लिख पाए ना वो क्या करेंगे, इसको नोट करने के लिए वो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लेंगे, आगे पीछे करना आप लोग जानते हैं, क्योंकि मूवी आप लोग बहुत देखते हैं, अगर कोई वर्ड नहीं सुनाई पड़ता, नहीं समझ में आता ना, कोई सीन ज़्यादा अच्छा लगता है तो पीछे करके फिर से देखते हैं, तो बस वैसे कर लेना, समझ लो मूवी है एक प्रकार से, काम की है लेकिन ये। हाँ, तो अब आप होमवर्क लिख लो चुपचाप जल्दी जल्दी, ये मत सोचना क्लास ख़त्म हो गई, अभी बहुत सारी क्लास है, भागना मत, होमवर्क के बाद फिर चलेगा, इसका थोड़ा अलग चलेगा। अब जल्दी लिखो, पहला सवाल है √64, इसको घर से करना, चाहे घर बैठ के करना चाहे दुआरे बैठ के करना, लेकिन लिख लो, भागो मत यार भाई। हाँ, दूसरा क्वेश्चन इसमें लिखो 729, लेकिन अभी ये सब गलत है, यहाँ 3 लिखना चुरकी पर, चुरकी पर 3 ना लिखोगे तो इसका मतलब वर्गमूल हो जाएगा, अगर वहाँ पे 3 लिखो रहोगे तभी इसका मतलब घनमूल होगा। लिख लो जल्दी से फटाफट, बस ज़्यादा नहीं देने वाले हम, थोड़ा सा ही, यह हो गया होमवर्क।
हाँ, क्योंकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स इसमें जुड़े हुए हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, या फिर डीएलएड की तो बात छोड़ दो, अगर कुछ और भी कर रहे हैं वो भी देखते हैं, कोई बॉर्डर पे है, कोई पुलिस में है, कोई टीचर है, तो स्टूडेंट सामने क्लास में बैठे हैं मोबाइल में ही लगा है लंच वगैरह में, तो बहुत सारी कंडीशन होती है, होमवर्क आपको करना चाहिए, ठीक ना। आगे देखो, अगला एक है इसी में थोड़ा बड़ा सा है, उसको भी नोट करूँ। देखो ये छोटा छोटा बड़ा बड़ा सब बताएंगे, वीडियो को पीछे करके स्क्रीनशॉट लीजिए। जिनको स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता हमारी टीम से संपर्क करें, व्हाट्सएप पर, लैपटॉप में, मोबाइल में, कंप्यूटर में, कहीं भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक ना। 46656 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 कुछ भी लिख लो, 46656 इसका क्या करना है, इसका क्यूब निकालना है। देखो मान बताना है, पहले इसका गुणनखंड करिए, लेकिन उसके पहले ध्यान से देख लिया होगा आपने ना, पेड की क्लास का 60% भाग फ्री में देखें। पीवीआर स्टडी को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अवश्य फॉलो करें, वहां पर आपको सारी क्लासें मिलेंगी इकट्ठा, जो कि यूट्यूब पर सभी क्लास नहीं होती हैं। जैसे जीरो लेवल का 21 नंबर पार्ट आप 20 और 21 जीरो लेवल का आप यूट्यूब पर नहीं पाए होंगे, लेकिन जो लोग फेसबुक पर जुड़े हैं वो देख लिए होंगे, समझ गए ना। तो फेसबुक पर आप अवश्य फॉलो करें, ये हमारी वरीयता होगी। पहले जो पार्ट्स आपको यूट्यूब पर नहीं मिल रहे हैं, हो सकता है वो फेसबुक पर मिल जाएं। तो ये है 46,000 क्या है, 656। अब ये किससे कटेगा जरा गेस करो। सबसे पहले ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय है, भाज्य है कि अभाज्य है। पहला नंबर, अगर अभाज्य संख्या होगी तो उसका घनमूल होगा ही नहीं, वो भाज्य संख्या होगी, कन्फर्म है। तो सम है कि विषम है, यानी कि ऑड है कि इवन है, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है, 6 है। आप जानते हो जिन नंबर का लास्ट डिजिट 02468 ये होता है वो इवन नंबर यानी सम संख्या कहलाती है, और जिन नंबर का लास्ट डिजिट 13579 होता है वो ऑड नंबर यानी विषम संख्या कहलाती है। देखिए साथियों, हमारी कोशिश होती है ना आपको 100% एक्यूरेट जानकारी दिया जाए, सही जानकारी दिया जाए, लेकिन कहीं अगर मानवीय त्रुटि होती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, आप लोग अपने सुझाव भेज सकते हैं, ठीक। तो ये 2 से कट जाएगा पक्का। देखो 2 से भाग करोगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 अठे 16। भाग दे के देख लेना, अभी हमने शुरू शुरू में बताया था, अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं देखा तो स्टार्टिंग से देखो इस क्लास को, फिर 2 से भाग करोगे जब इसको, तो आपको मिलेगा 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 ये हो जाएगा क्या, 13, और 2 छंग 12, 1 पचा, ये 2 छंग 12, 2 चौक 8। भाग दे लो, नहीं समझ में आ रहा तो इधर साइड भाग दोगे तो ऊपर वही आएगा। इसको जब 2 से भाग करोगे तो 2 पंचे 10, 2 अठे 16, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। फिर आप 2 से भाग कर लो इसको भी, देखो 2 दूना 4, उसके बाद 1 बचेगा और वो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। देखिए इस तरह से अगर आप इसको पूरा डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा मालूम है, करके देख लो। फाइनल में 3 3 के नीचे जोड़े बन जाएंगे, 3 ऊपर बन जाएंगे और 2 2 के बन जाएंगे, लिख लो जो भी आया ऊपर साइड ले आके सब लिख लो। देखिए अगर ये सब नहीं आता ना, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, तो आप जीरो लेवल का ज्वाइन कर लीजिए, जीरो लेवल क्लास देखिए सब आने लगेगा, ठीक ना, क्योंकि एकदम बेसिक होता है ये। ये हो गया 3 और 1 जोड़ा नीचे भी है, 1 जोड़ा 2 जोड़ा हो गया, देखो 3 3 का भी 2 जोड़ा है। इसको नीचे लिख देते हैं थोड़ा सा, ये लो हो गया ना, ये भी क्या होगा 3 3 का जोड़ा बन जाएगा, ये भी बन जाएगा इस तरह से। आप यहाँ 3 लिखना भूलना मत, इसमें से 1 2 निकलेगा, इस जोड़े से 1 2 निकलेगा, इसमें से 1 3 निकलेगा और इकले से 1 3 निकलेगा, 2 दूना 4 3 12 और 12 3 क्या हो जाएगा, 36। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये 36 क्या हो गया, 46,656 का घनमूल हो गया, यानी क्यूब रूट हो गया। लिख लिया जल्दी से ना, जल्दी से ना लिखो तो, ये देर में लिखोगे ना तो छूट जाएगा, हो गया ना। तो साथियों बस फास्ट करते रहो, सब कुछ अच्छा होगा, अगर ईमानदारी के साथ पढ़ोगे तो ये मान लो कि एग्जाम में आप पूरा पूरा मार्क्स ला सकते हो, 100% ला सकते हो, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें नंबर काटने वाले जो थे ना उनके दादाजी के पहले ही उनके दादाजी मर गए हैं, मतलब मैथ में नंबर नहीं कटता अगर आपने सही किया है तो, इसमें कोई राइटिंग का नंबर नहीं कटता। हिंदी में बहुत अच्छा छाप दोगे
लिख दोगे, लेकिन नंबर तब भी कट सकता है कि आपने राइटिंग नहीं अच्छा बनाया था, ठीक ना। तो ये सब्जेक्ट जो है ना कुछ अजीब सा है। हाँ तो इसमें और क्या है, एक अजब सा सवाल है, गजब सा। कह रहा कि 43,200 को पूर्ण घन बनाने के लिए कौन सी छोटी से छोटी संख्या का गुणा करें और इस प्रकार प्राप्त संख्या का घनमूल भी बताओ। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा कि 43,200 को पूर्ण घन बनाने के लिए कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें बताओ, और इस प्रकार से जो संख्या प्राप्त हो उसका घनमूल भी बताओ। तो सिंपल सी बात है, ये जो भी नंबर दिया है ना इसका पहले गुणनखंड कर लो आप लोग, और जब गुणनखंड करोगे ना, क्या है 43,200, तो जो इसके गुणनखंड करने पर फैक्टर आएंगे उनका जोड़ा बना के देखना, उसमें देखना सभी के जोड़े बन जाएंगे। कुछ ऐसे अभागे होंगे जिनके जोड़े ना बनेंगे, तो उनके जोड़े बनाने के लिए जिन संख्याओं की ज़रूरत पड़ेगी उसी से गुणा करेंगे, उसमें देखना। दो से काट दो, दो दूना चार, दो एक कम दो, दो छंग बारह, ये जीरो जीरो हो गया। फिर दो से काटोगे, दो एक कम दो, जीरो, दो अठे सोलह, ये जीरो जीरो हो गया। फिर दो से काट दो, दो पंचे दस, दो चौक आठ, जीरो जीरो। फिर दो से काट दो तो आ गया दो दूना चार, दो सत चौदह, 2700 आया। दो एक कम दो, दो तीन छः, दो पंचे दस, दो छंग बारह, दो सत चौदह, दो पंचे दस। फिर इसे आप किससे काटोगे, देखो दो दो से ना कटेगा हर समय ना, तो पाँच से काट दोगे इसको, ध्यान देना। पहले पाँच से ना काटोगे, पहले तीन से काटोगे, चूँकि तीन से कट रहा है तो इसे तीन से काट दोगे। देखो तीन दूना छः, तीन दूना छः, तीन पचे पंद्रह, इस तरह से इसका गुणनखंड हो गया ना, फैक्टर आ गए ना। अब जो फैक्टर आए इनको यहाँ पे लिखो ला करके नई लाइन में, देखो तीन तीन कितनी बार है, छः बार है, तो सॉरी तीन तीन नहीं, पहले दो बार है, दो दो है, तो दो दो पहले छः बार लिख लो, कितनी बार, छः बार लिख लिया। उसके बाद तीन तीन लिखो, तीन बार है, देखो इसको लाइन इसी के ऊपर से जाने दो, ठीक ना, इसको मिटा दो, इसका मतलब नहीं है। ये जान लो कि पाँच पाँच लास्ट में दो बार आया है ना, जो अभी मिटाया। तो ये नीचे क्या है, तीन तीन का भी एक जोड़ा बनेगा, तीन बार है, और लास्ट में देखो पाँच पाँच आया दो बार, किसका आया था, 25 आया था ना अंत में, 25 का जब गुणनखंड करोगे तो पाँच गुणे पाँच आएगा। अब क्या कह रहा है, मतलब समझो, कह रहा कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दें कि ये पूर्ण घन बन जाए। अब देखो ये पूर्ण घन बन गई थी, ये सारा सिस्टम इसका तैयार हो गया था, देखो सारे जो हैं जोड़े बन गए हैं सभी के, देखो तीन तीन का बन गया, दो दो का बन गया, लेकिन बीच में एक अड़ंगा ला के डाल दिया कि पाँच का जोड़ ही नहीं बन रही भाई, अब ये गड़बड़ हो गया। तो पाँच की जोड़ी कब बनती, इसमें क्या चाहिए, अगर एक पाँच और होता इसके साथ में तो पाँच की जोड़ी बन जाती ना, बोलो बन जाती ना। यानी कि अगर इस नंबर में हम पाँच का गुणा कर दें तो ये पूर्ण घन बन जाएगी, आंसर पाँच आ गया। गुणा करके देख लो, इसमें पाँच का गुणा करोगे तो ये बन जाएगा पाँच जीरो जीरो, पाँच दूना दस, हासिल एक, पाँच तीन पंद्रह, एक सोलह, पाँच चौक बीस, एक इक्कीस, इस तरह से आपका ये बन जाएगा कितना, 216,000 बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 216,000। अब इसका क्यूब रूट भी बोला था ना निकालने को, क्यूब रूट भी निकाल लो इसको, ये भी जोड़ा बन गया, लो एक दो इसमें से निकल गया, एक दो इसमें से, एक तीन इसमें से, और एक पाँच इसमें से, इस तरह से आपको क्या मिला, दो दूना चार, तीन बारह, पंचे साठ। बात क्लियर हुई ना, इसका आंसर कितना आया, वैसे रियल में उत्तर एक पाँच आया है, एक साठ आया है। क्यों दो उत्तर आया, क्योंकि कह रहा था कि इसको जो नंबर है को पूर्ण घन बनाने के लिए कौन सी छोटी से छोटी संख्या का गुणा करें जिससे कि ये पूर्ण घन बन जाए, सवाल हमने शायद पूरा नहीं लिखा, ठीक, और इस प्रकार से प्राप्त संख्या का घनमूल भी बताओ। तो वो संख्या एक पाँच आ गई गुणा करने वाली, और घनमूल कितना आ गया, साठ आ गया। जल्दी से लिख लीजिए, टाइम ना लगाइए, और सुबह 6 बजे से इस क्लास को देखना ना भूलें, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को। अगर क्लास ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे आपको हर दिन क्लास मिल सके, नहीं तो हो सकता आपको पाँचवा पार्ट मिला, छठवा मिला, आठवां दसवां ना मिले, आठवां मिल गया, ग्यारहवां बारहवां तेरहवां ना मिले, तो फिर आप पढ़ नहीं पाओगे। ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप पर संपर्क करें, और एक बात जान लें, ज्वाइन करने का कोई भी मंथली चार्ज या एनुअल चार्ज नहीं है, सिर्फ एक बार ज्वाइनिंग शुल्क नाम मात्र का पे करना होगा। अगला देखिए, पूर्ण घन ऋण संख्याओं का वर्गमूल, यानी कि निगेटिव नंबर जो है उनका, सॉरी वर्गमूल नहीं, घनमूल, उनका घनमूल कैसे निकालते हैं, क्या होता है।
देखो घनमूल निकालने का जो भी तरीका है वही होता है, और सिर्फ इसमें अंतर होता है कि जो आंसर है उत्तर है वो माइनस में लिखा जाता है बस। फार्मूला देख लो स्टैंडर्ड, माइनस एक्स का क्यूब अगर है तो बाद में लास्ट में माइनस एक्स आ जाता है, इतना ही होता है। जैसे 27 का निकालना हुआ तो ये माइनस बाहर आ गया, 27 हो गया, इसका गुणनखंड किया, 3 × 3 × 3 आया, लास्ट में इसका 3 घनमूल हो गया और माइनस था इसलिए माइनस में हो गया। इस तरह से आप लोग इसमें कुछ ढेर सारे सवाल घर से कर लेना। एक हम और बता देते हैं, इसमें देखो जैसे एक क्वेश्चन है कह रहा कि इसका घनमूल निकालो 21/97, ठीक, इसका घनमूल निकालना है तो पहले तो आप माइनस को बाहर ले आओगे, इस तरह से माइनस सामने लगा दोगे, ऊपर 3 × 21/97। 21/97 जो है ना साथियों, इसका आप क्या करोगे, गुणनखंड करोगे। तो आप गुणनखंड करके देख लेना, गुणनखंड करना हमने बहुत बार बता दिया, जीरो लेवल की मैथ में बता दिया, यहाँ भी बता दिया। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 13 13 हो जाएगा, और ये माइनस का चिन्ह था, इसको ऐसे लिख दो, बात समझ में आई ना, इसमें से -13 इसका आंसर हो गया, क्लियर। ये गुणनखंड ही करना है 21/97 का, करके देख लेना, सब लोग जानते हो। ये 8वीं क्लास चल रही है DL Ed 4 सेमेस्टर का, अगर आपने इनके पीछे की सारी क्लास देखना तो आप सीख जाओगे, ठीक। आप कुछ क्वेश्चन आप लिख लो घर के लिए, जल्दी करो फट से, हो गया ना, नोट कर लीजिए और इसको भी इधर देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए। हमारे जो अन्य चैनल है ना उनको अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, उम्मीद से ज़्यादा। PVR स्टडी इलाहाबाद पर तो आपको मिल ही रहा है, और हाँ PVR स्टडी ग्रुप जो कि इसका जस्ट सेकेंड चैनल है, इजी डेरिवेशन हिमांशु सर के द्वारा कौशाम्बी से चलाया जाने वाला चैनल है। अगला देखना, इसमें से आप लोग कुछ होमवर्क भी लिख लो चाहे तो, जैसी आपकी इच्छा हो लिख लो होमवर्क। एक और माइनस, ऐसे नहीं, घनमूल निकालना इनका, बस घनमूल निकालना 125, दूसरा 6400 माइनस में लिखो, तीसरा 729 करके लाना इन तीनों को, ठीक। अगला हेडिंग होगा आपका पूर्ण घन धन पूर्णांकों के गुणनफल का घनमूल, ऐसे नहीं ऐसे लिख लो, दो पूर्ण घन पूर्णांकों के वर्गों का घनमूल। देखना, इसका मतलब ये है कि दो पूर्ण घन पूर्णांक हैं, पूर्ण घन का मतलब वो संख्याएं परफेक्ट क्यूब होंगी, पूर्ण घन होंगी, उनका गुणा कर दिया जाए अगर आपस में तो उनका आप घनमूल कैसे निकालेंगे। जैसे पहला एग्जांपल ले लो, एक प्यारा सा 8 का गुणा अगर 27 में हो गया है, इसका घनमूल निकालना है, कैसे करोगे, बहुत आसान है, इन दोनों को आगे ले जाके तोड़ दो अलग अलग में, ये 8 में हो गया और ये 27 में हो गया, अब तो आपका इनका उत्तर रटा रटाया है ना, इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3, इस तरह से आंसर आ गया 6। अगर गुणा कर लोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, 216 बन जाएगा, 216 का निकालोगे काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक ना, तो गुणा ना करना। इस तरह से एक और करो, 125 और 216 का, देखिए इन सारे टॉपिक को अगर आप समझ लोगे ना, 25 में 25 लाने से कोई रोक नहीं सकता आपको परीक्षा में, लेकिन अगर ईमानदारी से समझोगे बाबू ना तब, और उसके लिए आप तभी समझोगे जब आप क्लास को ज्वाइन करोगे, क्योंकि फ्री की चीज़ की कीमत नहीं आज के इस भागम भाग दुनिया में, है ना। जियो जब से फ्री हो गया लोग उसको फेंकने लगे हैं, उसके बाद जब वो चार्ज लगा दिया तो फिर लोगों की कीमत उसको याद आने लगी। इसको कैसे करोगे, इसको भी आपको अलग अलग करना है, 125 3 और ये 216, इस पर भी क्या करना है, 3 लिख लो। आप जानते हो 25 × 5 = 125 होता है, 125 का जो घनमूल है वो 5 होता है, 6 × 36 = 216 होता है, 216 का घनमूल 6 होता है, गुणा कर लो 30 आ गया, बात बनी ना, समझ में आई ना। अगर गुणा करोगे तो कितना बनता, पता नहीं क्या बनता, करके देख लो ना, समझ गए, 2700 के आसपास बनता जाके, ये हो गया, नोट कर लिया ना, मिटाऊं कि ना मिटाऊं, जाने दो मत मिटाओ, आगे लिख लेता है एक सवाल और।
लिख लो मेरा क्या जाता है 512 को, नहीं मत करो यार, जाने तो ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। अब होमवर्क लिखो, अब होमवर्क लिखिए, और होमवर्क ना नहीं करेंगे अगर तो फिर आप जाने आपका काम, क्योंकि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, आपने सुना है ना, तो बस वही याद रखना, बाकी आप समझदार हो काफ़ी, क्योंकि 18 प्लस हो जाने के बाद भारत सरकार भी समझदार मान लेती है ना, तो आप लोग तो हैं ही। होमवर्क लिखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा।